हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे। और आपको ये जो बर्थडे का थीम नज़र आ रहा है, तो यस इट्स अ बर्थडे ऑफ अ फ्रेंड, सो हैप्पी बर्थडे सारमा, मे अल्लाह गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन योर लाइफ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बर्थडे का केक भी बनाऊँ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और केक का नाम, क्योंकि केक के बगैर तो कोई बर्थडे होती ही नहीं है। तो आज मैं लाई हूँ एक बहुत स्पेशल और बहुत यम और बहुत डिफरेंट किस्म का केक। सो लेट्स स्टार्ट। इट्स अ जैपनीज स्टाइल फ्रूट केक, फ्रेश क्रीम फ्रूट केक। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। हमें चाहिए 4 अंडे, 4 एग्स रूम टेम्परेचर, और वो मैं एक बर्तन में तोड़ लूँगी। अब ये है कि जो केक का बैटर है ना, वो हमेशा बड़े ही बर्तन में बनाया करें, या आप स्टील के बर्तन में बनाया करें, स्टील का बाउल ले लें या कांच का, उसमें क्या होता है कि अच्छा ज़्यादा बनता है। अब मैंने इसमें शुगर डाल दी 100 ग्राम, पिसी हुई चीनी ले लें तो अच्छी बात है, वो ज़्यादा जल्दी मिक्स हो जाती है। और अब गर्म पानी ले लें, देखें बिल्कुल बॉइलिंग वाटर नहीं होना चाहिए, बस जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि बबल्स बने हुए थे वैसे बबल्स बने हों। तो उसके ऊपर मैंने अब एग्स रख दिए, और मैंने साथ साथ इसको मिक्स करते जाना, क्योंकि अगर मैंने मिक्स ना किया तो इसके लम्स जो हैं वो बन जाएंगे और इससे हमारा जो बैटर है वो ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए इसको साथ साथ मिक्स करते जाना। और हमने एग्स को 5 मिनट तो पका। इस पॉइंट देखें, अब जो आपको जब लगे कि एग्स जो है बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गए हैं और इसमें शुगर बिल्कुल मिक्स हो गई है, तो तब हमने इसे उतार के, तो अब मैंने इसे इलेक्ट्रिक बीटर से 10 से 12 मिनट तक बीट करना है। हाँ जी, यहाँ पे इसको ज़्यादा ही बीट करना है। ये देखिए इस फॉर्म में आ गया है। ये सिर्फ एग और शुगर ही है जो मैंने अब तक बीट किया, लेकिन इसको मैं थोड़ा और बीट करूँगी। इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि अगर आप बैटर से कुछ लिखो तो वो मतलब मिटे ना। ये देखें जिस तरह मैंने लिखा तो वो मिट नहीं रहा, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो हमारे जो बैटर के लिए एग्स हैं वो रेडी हैं। तो इसके अंदर अब हम जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है वो डालते हैं। बहुत ये बस मेजरमेंट का हल्का सा ख्याल रखना, नहीं तो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है, बहुत जल्दी बनने वाला केक है ये। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी वनीला एसेंस। मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके पास कम स्ट्रॉन्ग है तो आप हाफ टीस्पून भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं मिल्क डाल दूँगी 40 ग्राम, रूम टेम्परेचर मिल्क होना चाहिए, ठंडा दूध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसको मिक्स कर देना। अभी तो मतलब मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट की हुई है, तो आपको लग रहा है मैं बहुत तेज़ मिक्स कर रही हूँ, लेकिन ऐसे नहीं है, बहुत हल्का आपने मिक्स करना है। और केक फ्लोर अब जो मैं डाल रही हूँ 125 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 कप। तो आपने केक फ्लोर घर में भी बना सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि 1 कप मैदा ले लेना है, और उसमें से 2 टीस्पून भर के लेवल जो है मेजरमेंट वाली 2 टेबल स्पून वो निकाल देनी, और कॉर्न स्टार्च की 2 टेबल स्पून लेवल बीच में डाल देनी है उस मैदे के 1 कप में, ठीक है। तो केक फ्लोर रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने बटर ले लिया 40 ग्राम, और मैं इसको अलहदा ही करूँगी, अलहदा से मिक्सचर मैंने उसमें डाल के इसलिए किया क्योंकि हमने बैटर को अब ज़्यादा मिक्स नहीं करना, इसमें ज़्यादा एयर इनकॉर्पोरेट नहीं करनी। तो हमारा बस इतना सा ही इंग्रेडिएंट्स थे मिक्सचर के, जो कि रेडी हो गया बैटर। तो अब मैं इसको केक टिन में डाल लूँगी, और हमारा जो ओवन है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट्स के लिए मैंने प्री हीट कर लिया है। अब तक लाइक एक मेथड जिससे केक बहुत सॉफ्ट बनेगा, देखिए मैं स्टीम गर्म पानी ले लिया है और केक उसके ऊपर रख दिया है, क्योंकि मेरा जो बॉटम है वो निकलने वाला था, मैंने किसी चीज़ पर रखा, आप एज इट इज़ भी रख सकते हैं। और मैं इसको अब 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 25 मिनट के लिए मैं बेक कर लूँगी। और अब मैं यहाँ पे वाइट चॉकलेट गनाश बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 80 ग्राम क्रीम ली है और 80 ग्राम वाइट चॉकलेट लेनी है उन्हें। मुझे ये मेथड ज़्यादा इजी लगता है कि क्रीम गर्म करके तो उसमें चॉकलेट डाल दो, लेकिन अदरवाइज़ आप दूसरा मेथड भी कर सकते हैं कि चॉकलेट पिघला के तो क्रीम में मिक्स कर दो, लेकिन वो थोड़ा इम्बेलेंस हो सकता है। तो इसलिए ये मेथड बहुत परफेक्ट है, इससे बहुत अच्छी गनाश बन जाती है, तो आप यही ट्राई करें। अब मैंने इसमें जो है चॉकलेट वो डाल देनी है, और 2 मिनट के लिए इसको साइड पे रख देना है, और जब चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी तो हम इसे मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने इसको मिक्स करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना।
आधे घंटे के लिए। और ये देखें केक मेरा बेक हो गया था 25 मिनट में, तो मैंने इसे निकाल के ठंडा करके फिर कट किया। फ़ौरन आपने कट नहीं करना। और ये देखें आप कितना सॉफ्ट बना है, इसको ट्रिम करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसके जो किनारे हैं। और ये है चॉकलेट गिनाश जो मैंने फ्रिज से निकाल के, पहले मैं इसे थोड़ा सा बीट करूँगी 2 मिनट्स के लिए, और उसके बाद मैं क्रीम इसमें डाल दूँगी और थोड़ी सी शुगर डाल दूँगी। आप ज़्यादा शुगर भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद है, क्योंकि गनाश भी बहुत मीठी है, तो इसलिए मैं थोड़ी ही शुगर डालूँगी। और इसको हमने इतनी देर तक बीट कर लेना है जब तक स्टिफ पीक्स ना बन जाए, और हमारी वाइट चॉकलेट गनाश फ्रॉस्टिंग रेडी है। अब मैं इसे ये वाला स्टेप करूँ, आप चाहें तो मशीन से भी स्टिफ पीक्स बना सकते हैं। और देखें हमारी क्रीम रेडी हो गई है, तो लेट्स लाइक असेंबल द केक। तो उसके लिए ये देखिए कितनी रिच क्रीम बनी है, ये बहुत मज़े की। अब जो बॉटम जो ऊपर वाली टॉप साइड है वो नीचे सबसे नीचे रखी है मैंने, ठीक है। और उसके बाद मैं ये जो पाइनएप्पल में ही सिरप होता है, पाइनएप्पल सिरप, वही मैं ड्रिजल कर रही हूँ, और इसके ऊपर फिर क्रीम आएगी। और उसके बाद ये जो केक इतना सॉफ्ट बना है कि इसके एक साइड पे ही इनफ है, जो मैंने सिरप ड्रिजल किया वो एक साइड पे ही इनफ है, अदरवाइज़ वो हैंडल नहीं हो पाएगा। और मैंने जो पाइनएप्पल है वो मैंने बिल्कुल क्रश कर लिए हैं, ब्लेंड कर लिए हैं, क्योंकि ताकि केक कट करने में आसानी हो। अदरवाइज़ आप चंक्स भी रख सकते हैं, लेकिन ये मुझे यूँ ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने यूँ रख लिए। और अब दूसरी लेयर चली जाएगी, और उसके बाद फिर से वही सेम मेथड, ड्रिजल कर लेना है। हमने जो हमारा सिरप है ये पहले से ही मीठा होता है, इसमें और शुगर ऐड करने की सिरप में ज़रूरत नहीं है, तो ये एज इट इज़ ही मतलब फ्लेवरफुल, और इसमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो दूसरी पे भी चला गया, और अब इस पे मैं टॉप लेयर जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी ना वो हमने ऊपर रखनी है, ठीक है। ये मिडल वाली रखी है मैंने, वो थोड़ा, और क्यों मैंने वो पहले ग्लव इसलिए पहना था क्योंकि जो आपके हाथ की हीट होती है उससे क्रीम जो है पिघलने लग जाती है, तो इसे मुझसे वो हैंडल नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने उतार दिया। तो आप ये इसी मेथड से बस आप कितने भी लेयर केक बना सकते हैं, 2 लेयर 3 लेयर, आप ये ज़रूर, ये सुपर मॉइस्ट, सुपर इजी और सुपर टेस्टी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके ऊपर अब जाएगी टॉप लेयर, ठीक है। वो मैंने पहले गलती से दरमियान में रख दी थी, मुझे पता नहीं चला था, इसलिए वो जो है दोबारा आ गया स्टेप। तो अब हमने इसके ऊपर मैंने कर दिया, तो अब मैं इसको जो है वो सेट कर लूँगी इस लेयर को। देखिए सबसे पहले आपने सेट करना है, ठीक है, जो साइडों पे निकली हुई है पहले उसको सेट करना है, फिर आपने यकदम से सारी क्रीम कभी भी केक पे नहीं अप्लाई करनी। सारी क्रीम अप्लाई करने से क्या होता है कि ना जो क्रम्स हैं वो केक की क्रीम में मिक्स हो जाते हैं, जिससे एक अच्छी फिनिशिंग नहीं आती। तो इसीलिए सबसे पहले आप थोड़ी सी लगाएं और उसके क्रम्स को सेट करें, और उसके बाद बाकी की क्रीम ऊपर डाल के तो उसको सारी लेवल कर लें, जिस तरह मैं कर रही हूँ। मैंने पहले थोड़ी सी लगाई है और उसको मैं सेट करके और उसके बाद मैं बाकी की लगा दूँगी और उसको फिर मैं लेवल कर लूँगी। अगर आप एक दिन पहले केक बना रहे हैं तो आप क्रीम ऊपर वाली ना लगाएं, बीच में आप स्टफ़ करके क्रीम और पाइनएप्पल और जो भी आपने स्टफिंग करनी है, तो आप इसको अच्छे से एयर टाइट करके तो फ्रिज में रख सकते हो, और बाद में आप मतलब नेक्स्ट डे आप ये ऊपर जो क्रीम की टॉपिंग वगैरह ये आप कर सकते हैं। तो अगर इजी वे में करना, केक का स्पंज कभी ख़राब नहीं होता, बल्कि वो बहुत और ज़्यादा टेस्टी होता है अगर उसको एक दिन पहले बनाया जाए। तो हमारा जो केक है वो रेडी है। अब मैं इस पर सिंपल सी कर लूँगी, डिसेंट सा भी, बहुत डिसेंट सा और बड़ा मज़े का केक है।
तो मुझे यही डिज़ाइन आया था जहन में, आपको जो भी डिज़ाइनर जहन में आप बना सकते हैं, किसी भी स्टाइल का बना सकते हैं। तो ये वाला मतलब अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, एक प्रॉपर सा सर्कल मैंने बना लिया क्रीम के डॉट्स टाइप से बना लिया, और अब मैं क्या करूँगी कि स्पून की मदद से इन्हें मैं ले डाउन कर दूँगी इस तरह। तो इस ये भी एक है, और जो भी डिज़ाइन आप बना चाहिए बहुत, आप आजकल तो केक के बहुत डिज़ाइन आ चुके हैं, और एक केक बनाना बिल्कुल एक आर्ट है, एक आर्ट की तरह लाइक ड्राइंग की तरह है। तो आप जो बीच में वेरिएशंस करते जाएं आपकी मर्ज़ी। और उसके बाद अब मैं ऊपर जो मिक्स कॉकटेल होता है वो मैं रख दूँगी, वो थोड़ा मतलब ध्यान से रखना होता है कि कहीं साइड हो ना चल जाए, जैसे मेरा चला गया, मैं जल्दी जल्दी रख रही थी तो थोड़ा उसमें एहतियात करनी होती है एक अच्छी गुड लुक के लिए। तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, और ऊपर मैंने गोल्ड के वो लगा दिए हैं, जो सोने के वर्क वो वाले लगाए हैं, जिस तरह चांदी के वर्क होते हैं उसी तरह सोने के वर्क होते हैं, तो वो मैंने लगा दिए हैं। आप जिस तरह मर्जी डेकोरेशन करें, और देखिए कितना डिसेंट और बहुत अच्छा केक बन गया। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी और मेरा ये केक कैसा लगा आपको। और वंस अगेन हैप्पी बर्थडे सामा, और ये है इसके अंदर की लुक, ये अंदर से कैसा लग रहा था। अगर मुझे आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, ढेर सारी दुआएं, अल्लाह हाफिज़।